तो आपसे भी का स्वागत हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास टेंडा कंपनी का राउटर है और आप दोस्तों जो टेंडा की वेबसाइट है उसमें जो लॉगिन पासवर्ड अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज कर सकते हो, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे जो मेन बात है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आपको उस राउटर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उस राउटर से कनेक्ट नहीं रहोगे तब तक आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते हो। अगर आप कनेक्ट हो जाते हो उस राउटर से, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आना है क्रोम के अंदर, और आप दोस्तों यही प्रोसेस अपने मोबाइल से भी कर सकते हो और यही प्रोसेस आप लैपटॉप से भी कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे लिखना है टेंडा, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो टेंडा राउटर लॉगिन लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एडमिन वाले पे आपको क्लिक करना है। और दोस्तों मेरे केस में क्या है, ये डायरेक्ट कुछ इस तरीके से ओपन हो चुका है क्योंकि यहाँ पर मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है। जब आप पहली बार क्लिक करोगे, अगर आपका पासवर्ड सेट होगा पहले से कोई, तो आपसे यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड पूछेगा। अगर आप यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड डाल देते हो तो उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों पेज आने के बाद अब आपको लास्ट में यहाँ पे क्लिक करना है सेटिंग वाले आइकन पे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछेगा ओल्ड पासवर्ड, यहाँ पे न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड में आपको कन्फर्म पासवर्ड में वही डालना है जो आप ऊपर डालोगे, ठीक है। तो अभी चलिए हमारा जो पुराना वाला पासवर्ड है उसको हम यहाँ पर डालते हैं कुछ इस प्रकार से। मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पे न्यू पासवर्ड जो है, इसमें आपको नया पासवर्ड जो भी रखना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि जो मेरे को नया पासवर्ड रखना है वो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डालिए, जो आप ऊपर डाले हो वही नंबर आपको नीचे भी डालना है। यहाँ पर नंबर हो गया या फिर जो भी आप जैसा भी डाले हो वही चीज़ आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों में वही डाल दिया है, जो मैंने ऊपर डाला है नंबर वही नंबर मैंने नीचे में डाल दिया है। अब दोस्तों अगर देखना है तो आप दोस्तों यहाँ पर ये जो आई बटन है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो भी आपने पासवर्ड रखा होगा, ठीक है, न्यू वाला। इस तरीके से आप देख सकते हो। और दोस्तों देखने के बाद अब आपका ये जैसे हो जाता है आप इसको डाल देते हो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको ओके बटन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो पहले लॉगिन था वो अभी लॉग आउट हो जाएगा और दोस्तों अब आपसे यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड पूछेगा। अब दोस्तों क्या करना है, आपको वही पासवर्ड डालना है जो अभी आपने डाला था, ठीक है, जो आपने न्यू वाला डाला था वही वाला आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखोगे तो ये लॉगिन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों इसी तरीके से आप यहाँ पे टेंडा का जो वेबसाइट है, यहाँ पे जो लॉगिन पासवर्ड है उसको कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये जो पुराना वाला पासवर्ड अगर वो याद नहीं है तो आप दोस्तों यहाँ पे फॉरगेट योर पासवर्ड पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसको फॉरगेट कैसे कर सकते हो ये भी बताया गया है कि आपका जो राउटर है उसमें एक रीसेट बटन दिया गया है बैक साइड में, जहाँ पर आपकी इथरनेट केबल लगी हुई है वहीं पे आप देखोगे एक छोटा सा बटन है रीसेट के नाम से, उसको आपको 8 सेकंड तक प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपका जो राउटर है वो यहाँ पर जो रीसेट हो जाएगा। और दोस्तों अब आपका जो राउटर है वो रीसेट हो गया, उसके बाद अब आपका जो भी जितने भी फ़ोन में कनेक्ट था वहाँ से भी डिसकनेक्ट हो जाएगा और यहाँ तक दोस्तों आपका जो इंटरनेट वाला जो सेटिंग था राउटर में वो भी यहाँ पर रीसेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उससे आपको कांटेक्ट करके उसको दोबारा से उसमें जो भी सेटिंग्स होती है, आईपी एड्रेस वगैरह जो भी डाला जाता है वो सब आपको दोबारा से प्रोसेस ये करना होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, रीसेट बटन का जो यूज़ है जब ही करना जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, जब आपको ये पुराना वाला पासवर्ड याद ना हो और आपको यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड चेंज करना हो तो ये प्रोसेस आप कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर जैसे आप ये बटन प्रेस करोगे उसके बाद ये जो अभी लॉगिन पासवर्ड पूछ रहा है मेरे से ये फिर नहीं पूछेगा आपसे, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है, इसका जो डैशबोर्ड वाला पेज था वहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। और अगर दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के बाद अगर आप यहाँ पर अपना जो टेंडा राउटर का जो वेबसाइट उसका अगर पासवर्ड बदल पाए हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर ये प्रोसेस करने में अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉमेंट करके मुझे बता सकते हो।